उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी दिल्ली में हिंदू नववर्ष महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे एक साथ इतने महानुभावों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और आप सभी की आभा और ऊर्जा ने मेरे मन मस्तिष्क को और भी अधिक जागृत करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक संत को, सनातन संस्कृति के प्रत्येक प्रहरी को दंडवत प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ जहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, तो वहीं उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में ही नहीं विदेश में भी हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। आपने देखा होगा जहां भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, वहीं उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर ही नहीं विदेशों में भी हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। अभी हाल में हमने अपने संकल्प पत्र में पूरी दुनिया के अंदर रामायण महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ साथ देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। भारत आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम अग्रसर है। देश का समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ साथ आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे अभूतपूर्व निर्णय आज देश के अंदर लिए जा रहे हैं।